गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम रात को लगभग 11:30 के आसपास गौरीकुंड आ गए थे। और गौरीकुंड में देखो, पीछे गौरी माई का मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे पीछे की तरफ अपना कैंप लगाया था। रात में लेट हो गए थे, तो करीब करीब 12 बजे के आसपास यहीं टेंट लगा लिया था। और अभी मॉर्निंग का लगभग 8 बजा और यहाँ से जाएंगे त्रिगुणी नारायण। तो अभी स्नान वगैरह करते हैं और गौरीकुंड में, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। ये देखो भाई, ये लगा अपना क्या, एक दो और भी लगे हुए। तो भाई, गौरीकुंड से फाइनली स्नान करने के बाद निकल चुके हैं नीचे की तरफ सोनप्रयाग। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगेगा अभी, तो अभी सोनप्रयाग से फिर आगे जाएंगे। काफ़ी रश हो रहा है इधर, खतरनाक वाली भीड़ भाई। ये घोड़ा काउंटर है भाई, देखो इसलिए भीड़ हो रही है यहाँ पे। प्रीपेड काउंटर पे देखो लट्ठेबाजी चल रही है भाई, लट्ठेबाजी चल रही है यहाँ पे। देखो भैया, निकल जान दे यार हमको, भीड़ हो रही भाई, भीड़ 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 भीड़, खतरनाक वाली भीड़ भाई। घोड़ा काउंटर पे घोड़ों की लड़ाई हो रही है, लट्ठेबाजी चल रही है, लट्ठेबाजी। अंदर से भीड़ लग रही थी ना, तो नहीं नहीं वो सर आए थे अंदर से, तो भाई बाहर आ गए अब प्रीपेड के लिए भाई, इसलिए भीड़ लगी थी वहाँ पे और इसलिए उनको लट्ठे चलाना पड़ा वहाँ पे। भाई दिन पे दिन ना भीड़ बढ़ती जा रही है। तो भाई एक बार जहाँ से यात्रा स्टार्ट की थी, वापस वहीं आ गया हूँ सोनप्रयाग। एग्जैक्टली जो जालंधर वालों का भंडारा चल रहा था वहीं पे। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे जाएंगे, पैर पूरी तरीके से टूट चुके हैं भाई, खतरनाक। और चोट लगी ना, उसका ट्रीटमेंट कराएंगे और सोनप्रयाग में तंबू लगा के यहीं रहेंगे अभी। तो अभी कुछ ऐसा नज़ारा, अभी मतलब ऑलमोस्ट, मतलब ये स्टार्टिंग का जो भंडारा है ना यहाँ पे ब्रिज के पार, जब हम गौरीकुंड जाते हैं तो रास्ते में यही आता है भाई। देखो यार, जा रहे हैं ऊपर की नीचे, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, चल रहे हो फिर नीचे खूब है, आप चल रहे हो ऊपर, मैं नीचे आ रहा हूँ। ऊपर कैसा मौसम है? खराब मौसम। अच्छा, पैदल गए थे आप? हाँ जी। हैं, कितनी देर में पहुँचे? मेरे को तो 15 घंटे लग गए थे, वेट काफी था ना। कट मत करना वीडियो को। नहीं नहीं, ऐसे चलता रहेगा। तो भाई यात्रा में सबसे बढ़िया सुविधा यही है कि आपको हर पड़ाव पे मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ से जब लंबा ट्रैक करते हैं 7-8 किलोमीटर तब कुछ नहीं होता, बट नीचे आपको भंडारे मिल जाएंगे, ऊपर 2-3 भंडारे मिल जाएंगे बाबा के धाम में, एक रास्ते में मिल जाएगा चंडीगढ़ वाला लिंचोली में, तो ऐसे सब चलता रहता है। तो भाई प्रॉपर 4 बजे सोनप्रयाग पहुंच गया था मैं केदारनाथ से नीचे उतरने के बाद, और अभी लगभग 11 बजा रात का। जैसा कि हर साल की तरह ये दिल्ली राजौरी गार्डन का जो भंडारा है, यहाँ पे बैठा हूँ अभी मैं। और ये लास्ट मतलब भंडारा रहता है, क्योंकि काफ़ी लोग ऊपर से भी आते हैं ना, तो ये लगभग रात भर ही चलता है। तो अभी लगभग पब्लिक आती रहेगी, अभी 11 बजा है, लगभग 1-2 बजे तक नॉर्मल पब्लिक आती रहेगी। तो भाई कुछ ऐसा नज़ारा है, अभी भीड़ कम हो गई है बट आ रहे हैं लोग।
इसके ब्लॉग में इतने रखते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। और जैसा कि त्रिगुनी नारायण जाने वाला था बट जा नहीं पाया, देखो मॉर्निंग में कहाँ जाते हैं, या तो तुंगनाथ की तरफ जाएंगे या फिर त्रिगुणी की तरफ जाएंगे। तो जो भी होगा वो सुबह बताता हूँ। कल फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, हर हर महादेव।